चिल्ड्रन, अब आपका टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है कि एजुकेशन एंड हेल्थ, अगर हम एजुकेटेड होंगे, अगर हम हेल्दी होंगे, तभी हम अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. क्योंकि द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कैन हाउ एवर बी एन असिस्ट ओनली इफ इट इज़ हेल्दी एंड एजुकेटेड. असिस्ट मीन्स हो जाता है एक पूंजी. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन अगर हेल्दी है, अगर एजुकेटेड है, तभी कोई कंट्री अपना डेवलपमेंट कर सकता है. अब जैसे वुड है, तो वुड से फर्नीचर में बनाने के लिए वुड का एक प्रॉपर उसका पूरा मॉडिफिकेशन किया जाता है, तभी तो चेयर टेबल कोई फर्नीचर बनता है. डायरेक्ट वुड से तो वुड को यूज़ करने के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है. सेम इसी तरह से आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी समझेंगे कि अगर कोई इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है, उसके लिए उसको अपनी स्टडी करनी होती है, अपने को स्पेशलाइज्ड करना होता है उस फील्ड में. तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. पॉइंट अब आपका आता है कंजर्विंग रिसोर्सेस. मीन्स जो रिसोर्स जिनको हम यूज़ करते हैं, उनको हमारी ड्यूटी क्या है उनके लिए? यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्या होता है कि जो रिसोर्सेस हम उनको यूज़ करते जिनको हम यूज़ करते हैं, उनको कंजर्व करना भी हमारी एक ड्यूटी है. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेस. मीन्स हम रिसोर्सेस का यूज़ करें, लेकिन उसको हम इस तरह से करें कि उनका वेस्टेज ना हो. जैसे कि हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है, उसको भी वो रिसोर्स वो भी यूज कर सके. और कंजर्वेशन में आपके थ्री रहते हैं मेन, जिसके फर्स्ट रहता है रीयूज, सेकेंड रहता है रिड्यूस, थर्ड रहता है रिसाइकल. तो आपका रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो तीन मैंने बताए, तो रीयूज रिड्यूस की मीनिंग क्या होता है? कंज्यूम लेस, डू नॉट वेस्ट. रिड्यूस मीन्स होता है किसी चीज़ को कम. मीन्स हमें उसको यूज़ करना है, कंज्यूम करना है, लेकिन उसको वो भी कम करना है और उसको वेस्ट नहीं करना. जो हमारी जितनी नीड है, हम उसको उतना ही लें, उसका वेस्टेज ना करें. रीयूज बिफोर यू रिसाइकल और डिस्पोज ऑफ एनीथिंग, कंसीडर वेदर इट कैन बी यूज्ड फॉर अ लिटिल लॉन्गर. रीयूज ये होता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे काम आ सकता है या नहीं आ सकता है. रिसाइकल थर्ड प्रोसेस जो आपका रहता है, रिसाइकल इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मटेरियल्स. तो बच्चों, कंजर्वेशन के जो थ्री प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये क्लियर हुए?